हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सेफ्टी मैनेजमेंट स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में। हम इस वीडियो में फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी फायर स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है, बॉडी पार्ट ऑफ स्प्रिंकलर, हाउ डज फायर स्प्रिंकलर वर्क्स, टाइप ऑफ फायर स्प्रिंकलर और कलर कोडिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ फायर स्प्रिंकलर। तो इन पांच टॉपिक पे आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं फायर स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है। तो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम एक फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम है जिसे कहीं पर इंस्टॉल करते हैं फायर से फाइटिंग करने के लिए, फायर से बचने के लिए। और यह ऑटोमेटिक सेंसेटिव होता है, यानी यह फायर को खुद ब खुद डिटेक्ट करता है, जानता है कि कहाँ पे आग लगी है और वहाँ पे फायर फाइटिंग शुरू कर देता है। इसे हम हाई राइज बिल्डिंग्स में इंस्टॉल करते हैं, इंडस्ट्री में इंस्टॉल करते हैं और एनी अदर प्रीमिसेस जहाँ फायर का रिस्क हो तो हम इसे इंस्टॉल करते हैं वहाँ पर। और आजकल फायर फाइटिंग जो ये स्प्रिंकलर सिस्टम है ये पूरे वर्ल्ड में अडॉप्ट किया गया है बड़े पैमाने पे, यानी इसका बहुत यूज हो रहा है। आजकल सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम ये स्प्रिंकलर है, जो कि बहुत ही इफेक्टिव वे में आग को बुझाता है। इसका खोज हेनरी एस परमले ने किया था, जो कि न्यू हेवन में 1874 में। आइए अब इसके हम बॉडी पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये मेनली इसके बॉडी पार्ट तीन होते हैं, जो पहला है वो है डिफ्लेक्टर, और दूसरा है जो टेम्परेचर सेंसिटिव ग्लास ट्यूब, और तीसरा है सीलिंग और कैप। तो देखिए, जो डिफ्लेक्टर है ये पानी को फैलाता है, स्प्रे के फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिससे कि आग आसानी से बुझ सके। और जो सेकेंड ये ग्लास ट्यूब दिख रहा है बीच में आपको, इसमें कुछ लिक्विड्स भरे होते हैं, जैसे मरकरी इसमें भरा होता है, और इसमें अल्कोहल एंड वाटर हो सकता है या ग्लिसरीन एंड वाटर हो सकता है, इसका मिक्सचर हो सकता है। ये करता क्या है, जब भी कहीं भी आग लगती है तो ये उसे सेंस करता है। इसे टेम्परेचर, इसका अलग अलग टेम्परेचर होता है कितने पे ये सेंस करेगा, और ये जो इसमें लिक्विड है वो एक्सपेंड होने लगता है, यानी फैलने लगता है, जिसके चलते ये ग्लास ब्रस्ट हो जाता है। और यहाँ पे देखते हैं सीलिंग और जो कैप है इस जगह पे, वो कैप खुल जाता है इसके फूटने के चलते और पानी बाहर आने लगता है। तो ये फायर फाइटिंग ऐसे करता है। आइए मैं इसको आप एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ जिसको आप समझेंगे ये कैसे काम करता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्प्रिंकलर कैसे वर्क करता है। अब आइए हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्रिंकलर के बारे में जानते हैं। जैसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, यहाँ अलग अलग कलर में स्प्रिंकलर है, इसका ग्लास ट्यूब अलग अलग कलर में है, तो इसका अलग अलग मतलब है, इसका यूज भी अलग अलग है। अगर किस टेम्परेचर में कौन सा यूज होगा, ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ पर होगा वहाँ कौन यूज होगा, और कम टेम्परेचर में कैसे यूज होगा, तो ये कलर कोडिंग हमें बताता है। तो इसे एक एक करके हम जानते हैं। तो जो हमारा पहला है ऑरेंज ग्लास ट्यूब, इसमें देख सकते हैं ऑरेंज ग्लास ट्यूब लगा हुआ है। तो ये देखिए, ये वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ फायर हल्का फुल्का लगता है, 57 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर चला जाता है तो ये ब्रस्ट हो जाएगा और स्प्रिंकलर सिस्टम चालू हो जाएगा और वाटर फाइटिंग सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो अगर कहीं भी टेम्परेचर 57 डिग्री से अबव जाता है तो ये फायर फाइटिंग करना शुरू कर देगा, इसमें का जो ग्लास है वो टूट जाएगा जिससे कि वाटर का फ्लो शुरू हो जाएगा। ये कॉमनली लिविंग होम में और ऑफिस में यूज होता है, क्योंकि लिविंग होम में तो बहुत कम ही आग लगता है, मतलब उतना टेम्परेचर भी नहीं लगेगा, तो ये यहाँ पे यूज होता है। और जो हमारा सेकेंड है ये है ब्लैक ग्लास बल्ब, यानी इसके अंदर यहाँ पे ब्लैक ट्यूब लगा होता है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ये 204 से लेके 260 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, यानी अगर इसे इतना टेम्परेचर मिलेगा तो भी ये ब्रस्ट करेगा। तो इतना टेम्परेचर आप समझ सकते हैं ज़्यादा कहाँ पे हो सकता है, ऑयल रिफाइनरी में हो सकता है, और मेल्ट मोल्टेड फोरकास्टिंग जहाँ लोहे की ढलाई होती है डिफरेंट शेप्स में, वहाँ बहुत अमाउंट में हीट रिलीज होता है तो वहाँ पे इसका यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो अगर हम कम टेम्परेचर का लगाएंगे तो वो जो मेल्टिंग और ऑयल रिफाइनरी के मशीन से हीट आएगा उसी से वो डिफ्यूज हो जाएगा तो स्प्रिंकलर चालू हो जाएगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि उतना आग तो वहाँ पर ऑलरेडी लगा होता है।
तो अगर इतना टेम्परेचर अगर मिलता है तभी ये ब्रस्ट होगा और वाटर फ्लो सिस्टम शुरू करेगा। ये है मेयुबा ग्लास बल्ब टाइप स्प्रिंकलर। इसका टेम्परेचर होता है 182 डिग्री सेल्सियस, यानी जब इसे टेम्परेचर 182 डिग्री सेल्सियस मिलेगा तो ये ब्रस्ट कर जाएगा और वाटर फ्लो सिस्टम चालू हो जाएगा। ये कॉमनली ऑयल इंडस्ट्री में यूज होता है और केमिकल प्लांट्स में। और एक ग्लास ग्रीन ग्लास बल्ब टाइप स्प्रिंकलर, इसके हाईएस्ट टेम्परेचर होता है 93 डिग्री सेल्सियस, और ये किचन्स और होटल्स में और लार्ज वर्कशॉप में यूज होता है इसका। और ये आई है येलो ग्लास टाइप ट्यूब स्प्रिंकलर। इसका हाईएस्ट टेम्परेचर होता है 79 डिग्री सेल्सियस, ये भी किचन में और स्मॉल वर्कशॉप में यूज होता है इसका। अब ये देखिए ब्लू ग्लास बल्ब टाइप स्प्रिंकलर, इसके हाईएस्ट टेम्परेचर होता है 141 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये भी इंडस्ट्री में और केमिकल प्लांट्स में यूज होता है इसका। अब ये रेड ग्लास बल्ब टाइप स्प्रिंकलर, इसका टेम्परेचर होता है 68 डिग्री सेल्सियस, ये लिविंग होम और ऑफिस में इसका भी यूज होता है। अब आइए जानते हैं फायर स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉल कैसे होता है। तो यहाँ पे आपके सामने ये एक पूरा इंस्टॉलेशन सिस्टम दिख रहा है फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें होता ये है, यहाँ पे वाटर रिजर्वर है, यहाँ वाटर स्टोर होता है बिल्डिंग के नीचे, और इसमें बहुत सारे पंप लगे होते हैं प्रेशराइज करने के लिए। और इस जो ये आपको दिख रहा है ट्यूब, वाटर ट्यूब, इसमें हमेशा वाटर प्रेशराइज रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे स्प्रिंकलर लगे हुए हैं। ये समझिए कि ये आपका फर्स्ट फ्लोर है और ये सेकेंड फ्लोर है, ये पूरे फ्लोर में इंस्टॉल होता है। और सपोज दैट आग यहाँ पे लगी है तो ये जो सबसे पास वाला स्प्रिंकलर होगा वही इसे डिटेक्ट करेगा, और वहीं से वो ग्लास ट्यूब ब्रस्ट होगा और फायर फाइटिंग शुरू होगा। ये नहीं है कि यहाँ पे आग लगी तो चारों तरफ स्प्रिंकलर सिस्टम शुरू हो जाएगा, तो ये ऐसे होता है। अगर आप चाहें तो ये वाटर रिजर्वर आप अपने छत के ऊपर भी रख सकते हैं, जिससे कि आपको वाटर प्रेशराइज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं तो उसमें बहुत सारे फ्लोर होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो उससे हम उतने भारी लोड को हम छत के ऊपर नहीं रख सकते हैं, इसलिए इसे हम नीचे रखते हैं। अगर आप अपने घर में लगाना चाहते हैं तो हमारा घर तो छोटा होता है, तो हम वहाँ पे ऊपर रख सकते हैं टंकी को, जो भी स्टोरेज है हमारा वाटर का, जिससे कि हमें प्रेशराइज नहीं करना पड़ेगा और ऑटोमेटिक पानी नीचे आ जाएगा और फायर फाइटिंग शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में कुछ समझ में आया होगा, काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करिए, हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।